हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिए कुछ खड़े मसाले, प्याज एक पतले और एक मोटे शेप में काटे हुए, कोई केसर फूड कलर, और इधर मैंने लिया धनिया पत्ता। मैंने 2 घंटा पहले इधर चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, जिसमें मैंने चिकन में डाला है दही, सूखे मसाले, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चिकन मसाला पाउडर, पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता, सबको कारण इन सबको मैंने मिक्स करके 2 घंटे के लिए छोड़ दी थी। इधर मैंने लिया है 4 एग, जिसे मैं अभी हल्दी धनिया हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक के साथ मिक्स करूँगी और इसे मैं फ्राई कर लूँगी। एग को मैंने पाउडर डाल नमक डाल दिया है, मैं इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें फ्राई कर लेंगे। पहले मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ, इसे डीप फ्राई करना है। जो पतले स्लाइसेस में मैंने प्याज रखा था उसे मैं डीप फ्राई करूँगी हल्का सा गोल्डन ब्राउन आने तक। ये देखिए मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज, अब मैं इसे निकाल लूँगी और एक किचन टॉवल पर रख दूँगी। इधर मैं एग को फ्राई कर रही हूँ, जो हमने पहले से मैरिनेट कर लिया था हल्दी नमक और मिर्च पाउडर के साथ। हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए बस इसे भी निकाल लें। इधर मैंने पुदीना पत्ता आपको नहीं दिखाया था, और बिरयानी मसाला मैंने चिकन में नहीं डाला था, मैं नमक भी नहीं डाली हूँ, अभी मैं बिरयानी मसाला डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर दूँगी। मिक्स करके फिर से मैं इसे ढक दूँगी। इधर मैंने दही को फेंट लिया है अच्छे तरीके से, इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, ये मैं रायता बना रही हूँ, इसके लिए मैंने दही को मिक्स कर दिया पानी के साथ। इसमें प्याज, खीरा, टमाटर, मिर्च, हरी मिर्च मैंने डाल के इसे भी मिक्स कर दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, ये चाट मसाला पाउडर, काला नमक एंड ये नॉर्मली जो हम लोग नमक खाते हैं वाइट सॉल्ट, वो मैंने ऐड कर दिया और इसे मैं मिक्स कर दूँगी। इसमें मैं डालूँगी धनिया पत्ता, इसे भी मैं मिक्स कर दूँगी। ये हमारा रायता तैयार है। अब इधर मैं सैलेड काट रही हूँ। सैलेड मैंने खीरा, प्याज, टमाटर को काट के मैं रख दूँगी। मिर्च लिया है, इसमें मैं चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पत्ता, मैं अभी नमक ऐड नहीं करूँगी, खाते वक्त नमक ऐड करूँगी। इधर मैंने गैस ऑन कर लिया, इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। इसमें डाली हूँ मैं तेज पत्ता, इलायची, ये स्टार, ये लौंग, और इसे थोड़ा सॉटे करूँगी। उसके बाद मैं इसमें प्याज जो मोटे शेप में कटे हुए थे उसे मैं ऐड करूँगी और इसे मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूँगी हल्का सा। इधर मैंने पानी चढ़ा दिया है चावल के लिए बॉयल होने के लिए। इधर मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करूँगी और इसे प्याज के साथ भूजूँगी, सॉटे करूँगी। इधर मेरा पानी भी खोल चुका है, इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे वही, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, देसी घी मैंने लिया है। इसमें डाले ऐड करेंगे सॉल्ट और इस सबको मिक्स कर देंगे। इधर मैंने चावल धो लिया और मैं चावल ऐड कर ली हूँ धो के, इसे बस 40% पकाऊँगी मैं। और इधर मैं चिकन को भी एक बार चेक कर लूँगी। इधर हमारा चावल लगभग पक चुका है, हमारा चावल पक चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये टूट रहा है, हल्का सा दबाने पे ये टूट रहा है, इसका मतलब हमारा चावल हो चुका है। इसे मैं छान लूँगी। ये देखिए हमारा चावल एकदम परफेक्ट है बिरयानी के लिए। इधर हमारा चिकन भी हो चुका है। अब हम फाइनल स्टेप पे आ चुके हैं। इसमें बड़े पतीले में मैं थोड़ा सा चावल डाल दी हूँ, अब मैं चिकन डाल दूँगी। थोड़ा सा चावल डाल देने से अगर थोड़ा जल भी जाए तो चावल जलेगा चिकन नहीं। तो चावल के ऊपर से मैं फिर चिकन के ऊपर से मैं फिर से चावल का लेयर लगा रही हूँ। इसमें मैं ब्राउन ओनियन जो मैंने फ्राई किया था वो डाल रही हूँ। इसमें डाली हूँ केसर वाला दूध, केपरा वाटर, सॉल्ट, बिरयानी मसाला, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, ये
इसमें डाली हूँ देसी घी और कुछ एग्स। मैं दो लेयर में लगाऊंगी, हो सके तो आप एक ही लेयर में कर सकते हैं। मैं ऊपर से फिर से चावल ऐड कर रही हूँ, उसमें फिर से मैं ओनियन ऐड, प्याज ऐड की हूँ, केवड़ा वाटर, बिरयानी मसाला, केसर वाला दूध, इसमें मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ, उसके बाद धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, इसमें सॉल्ट ऐड की हूँ मैं, एंड इसमें फिर बचा हुआ जो मेरा एग था वो मैं ऐड की हूँ। मैंने कट करके एग को दिया है, इसमें देसी घी ऐड कर दी हूँ, इसे ढक दूँगी और आटा के मदद से मैं इसे ढक्कन को अच्छे से चिपका दूँगी। इधर मैंने थोड़ा सा पतीले में पानी ले लिया है, उसे थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके ऊपर मैं इसे चढ़ा दूँगी, इसे डायरेक्ट हीट पे मैं नहीं चढ़ाऊँगी। आधा घंटे के लिए मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पकाऊँगी, आधा घंटे बाद थोड़ा सा गैस को बंद कर दें और पतीला ठंडा हो जाए तब हम इसे नीचे उतारेंगे। ये देखिए आराम से मैं चाकू से आटा के लेयर को काट रही हूँ, थोड़ा सा ठंडा करके ही इसे छुए, नहीं तो हाथ भी जल सकते हैं। और ये देखिए हमारा बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी है, अब इसे आप सर्व करें। हमारा रायता और सैलेड भी रेडी है पहले से, ये देखिए पूरा परफेक्ट, चावल भी पका है और चिकन भी पका है। और एक तो ये देखिए मैं सर्व कर रही हूँ, कितना कलरफुल दिख रहा है और खाने भी में भी बहुत स्वादिष्ट बना है, तब इसे सर्व कर रही हूँ मैं। आप बनाइए, खाइए और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।